तेती संख्या माया मारो एक ही निवेदन है सगला हाथ जोड़ एमपी साहब आपने गांव सदा ही आगे रेड है और अब की बार आप के मायने सुहायोग करा जना मजे की बात है सगला सुहायोग करते हो तो हाथ जोड़ निवेदन करो हाथ खड़ा करके दो सगला प्यार आने ठीक है। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं ले एक दूसरी बताऊं आपने एमपी साहब कति कोई भेदभाव कौन करियो आपने गांव में ढाणिया का कनेक्शन है की जितना तारी बात आई मेघवाल ढाणिया एमपी साहब आपका कोटे में कनेक्शन कराया और मींगना के माने मेघवाल ढाणिया में एमपी साहब आपका कोटे में कनेक्शन कराया कोई वंचित रहे की ढाणिया सामने बैठा था कि वंचित रहे और करवा दिशा। और दूसरी बात डीएमएफ टीम लोडसर गांव में खूब काम हुयो मगो सब बड़ो सरे मनोज जी मेघवाल एमएलए साहब ने और सहयोग राहुल जी को भी हो कारण ए बिल्कुल ही टांग कौन लाई समर्थन नहीं करो बांके लिए बहुत ताली बजाओ आपने गांव को जो बारे खुद देख रहे हैं खुरा नाया खाया पाइपलाइन सगड़ो काम आकी देन है। तो मेरा तो आपने वही निवेदन है कि वोट एमएलए चुनाव में आप 125 वोट ला रहे दिया कोई बात को नहीं एमएलए अपना जीत गया के लिए थाने धन्यवाद कोई बात को नहीं 125 की अब की बार 500-700 वोट गांव आगे रहे जना मजे की बात है थाकी गांव का की बात रहे हमारी इज्जत रहे राख दे उन्हें ठीक है। अब आगे के वक्ता के रूप में मैं पुसाराम जी निवेदन करूं सभा संबोधित अब आगे रह जाओ नहीं बहुत ज्यादा आगे रखना है मैं बात को नहीं है पहल के नेड़े लिए थे ये मत करिया करो ना सम्मान्य लोकसभा के अधिगत प्रत्याशी राहुल कसवा जी सम्मान्य विधायक मनोज मेघवाल जी भंवर पुजारी जी सम्मानित मंच और ब्लॉक के अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल जी तमाम ग्राम लोडसर के मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों बच्चों और मातृ शक्ति 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में आप लोगों को सब प्रकार के मतभेद बुलाकर न कोई आरएलपी न कोई कम्युनिस्ट सब कांग्रेस के साथ इसलिए आप बड़ी ताकत के साथ मन बनाकर भाई राहुल कसवा जी को लोडसर ग्राम और ग्राम पंचायत से भारी बहुमत से सर्वसाहब आगे रखना भारी बहुमत से ऐसी स्थिति में राहुल कसवा जी आपके 10 साल से सांसद है हालांकि बीजेपी से थे लेकिन उन्होंने कभी भी जाति बिरादरी और पार्टीबाजी बात नहीं की उन्होंने किसान दलित मजदूर और क्रीम की बात की क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। एक सांसद का ढाणियों को कनेक्शन का पैसा देना बहुत बड़ी मायने रखती है ढाणियों को कनेक्शन देना गरीब लोगों को बहुत बड़ी मायने रखती है ये लोग धरती से जुड़े हुए हैं ऐसी स्थिति में आप लोग ये सब चीजें याद रखनी है और जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है भारतीय जनता पार्टी का यहां भी शासन हो गया देश में भी शासन है 4 महीने से आप शासन देख रहे हो सबके हाथ खड़े करा रखे हैं सबके हाथ खड़े करा रखे हैं कोई आदमी सुखी नहीं है हमारे कांग्रेस के टाइम की लोग सभी योजनाएं एल्डा होल्ड पर कर दी कई योजनाएं बंद कर दी युवाओं को बेरोजगार कर दिया मुद्दा क्या है युवाओं को रोजगार मिले किसान के लिए एमएसपी कानून बने और गरीब और दलित का कल्याण हो और महिलाओं की बेबूदी बढ़े ये उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी सरकार का इनका कोई विकल्प नहीं है धर्म जाति और बिरादरी की बात करते हैं देश में भय का माहौल है राहुल कसवा और उसके परिवार को ऐसी कोई स्थिति नहीं चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे जब हमारे किसानों का आंदोलन 8 महीने तक दिल्ली में चला इन लोगों ने उनका समर्थन किया उन्होंने उनकी मदद की ऐसी स्थिति में लेकिन इस ताकत को बढ़ते हुए इनकी पार्टी ने बर्दाश्त नहीं किया कुछ लोगों ने तब इनके साथ ये हुआ तो इन्होंने कांग्रेस के साथ आने का फैसला लिया कांग्रेस ने इसे स्वीकार स्वीकार किया और हमारी कमान ने हम सब लोगों ने इनको कांग्रेस चुनाव लड़ने का फैसला किया और उस चुनाव के फैसले पर आप सब लोगों की मोहर आप सब लोगों से राय मिश्रा बाद में हमने इस टिकट का फैसला किया
इसलिए जो भी लोग पहले इस चुनाव से दूर थे, जो भी अन्य पार्टियों में थे, सब दिमाग क्लियर कर लो और ईमानदारी से एक रहो। मैं भाई मनोज मेघवाल, राहुल कासवांजी और हमारे साथी आपके तमाम होने वाले कामों के लिए आधी रात को तैयार मिलेंगे, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। आगे हमने काम किया और भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं 20 साल प्रधान रहा, मास्टर भंवलाल जी मंत्री रहे, एमएलए रहे, हमने बहुत काम किए। उसके बाद मनोज जी भी बहुत अच्छे काम किए, राहुल कासवांजी लगातार काम करते आ रहे हैं। इसलिए उस व्यक्ति को चयन करना है जिस व्यक्ति ने आपके और हमारे सबके लिए लड़ाई लड़ी। इसे लंबी बात नहीं कहूंगा, आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि 19 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप राहुल कासवांजी कांग्रेस के हाथ का निशान बनकर, हाथ के निशान पर मत और समर्थन करें, पार्टी को चुनाव जिताए। राजस्थान में देश में संदेश देना है कि उन शख्सियत, उन ताकतों को उस शख्सियत ने बेदखल किया जो उस शख्सियत बढ़ती हुई शख्सियत को रोकना चाहते थे, और कांग्रेस पार्टी ने वो झंडा लेने का काम किया जो हमारे किसान, गरीब और दलित के लिए काम करने वाले आदमी को नेतृत्व दिया। ऐसी स्थिति में ये संदेश चूरू से देना है और राजस्थान और पूरे इंडिया में संदेश जाना चाहिए कि राहुल कासवांजी चूरू से भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, बात करने के लिए आया हूँ। आप बड़ी संख्या मिले मान सम्मान के, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब भाई मनोज मेघवाल साहब, आपके विधायक जी आपको संबोधित करेंगे।